हाँ ठीक है, कर देना। वैसे तो देख सकते हैं कि पूरा फूल हो गया है, ऐसे भगाते हैं बाबा। इतना रफ्तार में कहाँ ही जा रहे हो, पीछे भी भाई ट्रिपलिंग। ये रास्ता प्लस व्यू क्या ही मस्त लग रहा है। ये चैनल का नाम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, कर देना, मिल जाए। वो मार्क्स करके चलो। हाँ ठीक ठीक है, चल जा। नहीं करो, गेट को बंद कर दो, नहीं पकड़ो। आएगा अभी, आ रहा है, उसका भी स्कूल छुट्टी हो गया होगा। छोड़ो, आ रहा होगा। नहीं करो ना, जाओ ना, जाओ बोल रहे ना। हाँ ठीक, कल डांटेंगे, चल डांटेंगे, जाओ अंदर जाओ, जाओ ना। नहीं करो, जाओ गेट बंद करो, नहीं पकड़ो। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यू आर वाचिंग मार्क्स। तो ऐसे अभी हम जा रहे हैं अपने गांव गुमला। तो अभी बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है और अभी निकले हैं, और शाम तक वैसे पहुंच जाएंगे अगर इतना ही स्पीड में चलेंगे तो। और यहाँ से अभी वही 85 किलोमीटर दूर है गुमला, तो वैसे तो टाइम तो लगेगा ही। तो आगे पेट्रोल पंप है, तो वहीं से फ्यूल अप करा लेंगे अपन। और जो मुझे नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि मैं झारखंड गुमला का रहने वाला हूँ। वैसे तो अभी रांची में भी घर है अपना, बट गुमला के हैं हम। तो वही अभी कुछ जा रहे हैं अपने गांव, कुछ कागज़ पत्तर वाला काम कराने के लिए। तो वैसे तो अभी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा, विलेज राइड। तो ये पेट्रोल पंप से अपन को फ्यूल अप कराना है। तो क्या लगता है कि कितना में हो जाएगा मेरा आना जाना है, क्योंकि एक ही बार में कराएंगे। छः सौ का दीजिएगा। हाँ वैसे तो देख सकते हैं कि पूरा फूल हो गया है। ओ भाई, मीटर में भी पूरा फूल दिखा रहा है। पहली बार यार, एक साल हो गया मेरा करीब गाड़ी लिया हुआ, ऐसा हम कभी फ्यूल अप हम नहीं कराए हैं पूरा फुल टंकी। बाहर अच्छा लग रहा है यार, तेल बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, दिल से अंदर से एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रही है। तो अब जल्दी से फटाक फटाक चलते हैं। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये राइड पे, तो बने वेरी एंड तक। ओ नो गाइस, हो गया सीन, अभी ट्रेन आने का टाइम हो गया, अभी बहुत टाइम है ट्रेन आने को। तो ये देखो भाई, कितना 10 मिनट से ज़्यादा वेट करने के बाद आ ही गया ट्रेन, वो भी मालगाड़ी के लिए रुके हुए थे हम लोग। देख रहे हो गाइस कैसे जाम लग जाता है ट्रेन के आने से। फ्लाईओवर वाला काम तो इधर अभी तक काम आधा हो के आधा भी नहीं हुआ था और काम रुक गया। ओए नहीं छिटका भाई,
बाइक वाले लोग के लिए क्या है, वो तो आराम से इधर उधर से कटिंग मार के निकल जाते हैं, लेकिन फंसते तो वही कार बस ट्रक वगैरह सब फंसते हैं ज़्यादा। गुमला का भी एकदम बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है, रिंग रोड जैसा, तो बहुत ही ज़्यादा मस्त हो जाएगा जब वो बन जाएगा। पूरा भी रोड वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वही अभी 70-80% कंप्लीट है। बस उधर अभी थोड़ा सा एक्सप्रेसवे टाइप से है, तो अभी उसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है। वो टोल गेट 1 किलोमीटर, तो अभी तो वैसे नया नया टोल बना है, वैसे ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहा है, और आगे से एकदम मस्त रोड मिलने को वाला है गाइस, बहुत ही मस्त राजचक रोड है एकदम। अपने यहाँ से साइड साइड निकल लेंगे। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, और साथ में मेरा बाइक पे व्हील कवर भी लगा हुआ है ना, तो उसके चलते अभी हवा थोड़ा काट रहा है इधर उधर, हैंडल थोड़ा सा वॉबल होने का चांस है, तो उतना हम लोग स्पीड में नहीं चलेंगे, आराम से ही जाना है। और भाई व्यू चेक कर सकते हो, हमारी झारखंड की खूबसूरती यही है भाई, खेत हरियाली किसान, तो इधर देख सकते हैं पूरा खेत क्या ही मस्त लग रहा है। और आगे तो मेरे गांव का तो आप लोग सीन चेक करिएगा ना, तो एकदम पागल हो जाइएगा, इतना मस्त है ना कि क्या ही बताए। तो गाइस चेक करिए कितना मस्त रोड बनाया है, वैसे तो अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, देख सकते हैं कि आगे से भी गाड़ी आ रहा है, और ये रोड में अभी भगाना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीन होते रहता है इधर, तो आराम ही से चलना है। और जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो है ही ये रोड, तब चलेंगे थोड़ा सा स्पीड पे। अभी इधर साइड साइड में बैरिकेड लगना ज़रूरी है, लंग्स जो एक्सीडेंट करता है, तो वो अभी पूरा अच्छा से ठीक है, पूरा मतलब ऑपरेशन के बाद वो पूरा चंगा हो गया है एकदम लौंडा, तो ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 2024 का मेरा पहला ब्लॉग है, तो बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हैं यार विंड ब्लास्ट के चलते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हमको, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, और इतना माथा ख़राब होता है कि क्या ही बोलना। चेन टाइट करा ली है, तो मेरा बाइक तो इतना हेवी लग रहा है कि एकदम बहुत ज़्यादा पावर लग रहा है। और अभी तो यहाँ पावर हाउस देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है पावर हाउस, आप लोग को दिख रहा होगा कैमरा में, तो चेक करिएगा वहाँ से जो स्टार्ट है पूरा अभी वहाँ तक है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो ये भाई हम चले गुमला अपने गांव। तो गाइस देख सकते हैं ये जो रोड में भी हम लोग चल रहे हैं, तो ये पुराना रोड है और इस साइड में अभी नया रोड बन रहा है, तो देख सकते हैं कि पहले रांची और गुमला का रोड कितना ही बड़ा था और अभी कितना बनने वाला है बड़ा, तो समझ सकते हैं। और ये आगे में जो एमटी वाला है, पता नहीं मेरे आगे पीछे हो रहा है बहुत, ऐसे किसी को देख के ये नहीं करना है भाई, स्पीड नहीं चलना है, तो आराम से ही चलते, आराम ही से चल रहे हैं, बट थोड़ा आगे पीछे हो जा रहे हैं हम लोग बार बार, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चाहेंगे कि हमको देख के थोड़ा गझाओ मत, क्योंकि मेरे साथ या तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है ऐसे करने पर, तो बी सेफ। तो भाई पता नहीं इधर क्या चीज़ का जाम लगा हुआ है पेड़ों में, तो बहुत ही लंबा जाम है, माँ कसम कैसे निकलेंगे यार।
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इससे निकलने के लिए, तो अपन इधर से चलते हैं। लेकिन इधर का भी तो सही हाल है यार, और इधर बाइक जाए कि नहीं जाए हम ले के समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर से पता नहीं जा रहा है, बाजार है शायद इसीलिए जाम लगा हुआ है, तो वैसे तो नहीं लगा हुआ रहता है। तो गैस बहुत देर के बाद कितना रिलीफ मिला जाम में, इतना बहुत जाम था यार क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ। वैसे तो अभी हम गुमला रूट पे है और उधर से लोअर दग्गा जाता है, देख रहे हो कैसे रास्ता है यार, पहले ऐसे ही आना जाना करना पड़ता था, कब जाके तो वो वाला रोड पूरा होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा फिर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जाने में पता है गुमला 3 घंटा 3.5 घंटा लग जाता था पहले, फिर अभी ये रोड बन जाएगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे तो देख सकते हैं कि उधर से रोड आ रहा है, अभी इधर कुछ रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो उधर से फिर आके जुड़ जाएगा ये इधर। तो देख सकते हैं कि आगे में एक ब्रिज बन रहा है, तो उधर ही से आ जाएगा रोड। इधर का रोड देख रहे हो भाई, बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाएगा। तो एकदम सब तरफ तो एकदम सरसों का खेत ही हुआ है, एकदम रास्ता भर देखते आ रहे हैं, वो जो येलो येलो दिख रहा है उसी का खेती हुआ है सब तरफ। तो नहीं है कि सरसों है, पता नहीं, हमको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ही बताएं आप लोग को। देख रहे हो ऐसे ऐसे झटके मिलते रहते हैं ये वाला रोड पे। ये रास्ता प्लस व्यू क्या ही मस्त लग रहा है, और ऐसे रास्ता रहेगा तो यार क्या ही मज़ा आएगा। अगर व्हीली मारने आता ना तो पूरा रास्ता भी ख़त्म कर देते, तो एक राउंड भगा लेते हैं, मज़ा आएगा। वंस अगेन चेक करिए आप लोग, ख़राब रास्ता पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी भरनू पार कर रहे हैं, तो पीछे में ही था भरनू चौक, तो अभी पार कर रहे हैं, और आगे में पुराना थाना है, तो उसे तो ये बंद हो गया शायद से, पुराना वाला, तो नया वाला तो पीछे ही था। तो यार रास्ता में पानी क्यों डाल देता है, एकदम दिमाग ख़राब, छिटक रहा होगा अभी मेरे पीछे, पीछे से मोडगार्ड खुला हुआ है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इधर क्या था पता है गाइस, ऐसे मतलब पतला सा रास्ता था और इधर पूरा साइड साइड में ना पेड़ था, तो बहुत ज़्यादा ही मस्त दिखता था हमको उस टाइम। हमको यहाँ पर हमेशा फ़ोटो खिंचाने का मन करता था, लेकिन उस समय हम बस में आया क्या, मतलब उस टाइम हम बस में आया किया करते थे, लेकिन उस समय मतलब गाड़ी स्कूटी भी नहीं था, तो उस समय का बात है कि बहुत ज़्यादा मस्त लगता था इधर व्यू, और क्या ही बोलो इस जगह को, बहुत कुछ पहले जैसा हमारे दिमाग में ही छपा हुआ है, अभी तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब जिसको पता है वो पता है भाई इधर क्या ही मस्त लगता था, मतलब कि पेड़ था साइड साइड में और रोड में झुका हुआ था ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा मस्त लगता था देखने पे। जैसा कि हम पहुंच गए हैं सिसई, और थोड़ा पैर को बहुत देर से मुड़ा हुआ है तो वो दर्द कर रहा है हल्के में, तो वैसे तो एमटी थोड़ा सा दिक्कत ही है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत है अगर ज़्यादा लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो, मतलब कि ऑलमोस्ट गुमला पहुंचने ही वाले हैं, जो बात है क्लियर है, नक्खे नहीं पहुँच गया तो गुमला तो पहुँच ही गया गाइस। तो
तो एक नया पुल उधर से बना है और ये पुराना पुल है। वैसे तो ये सेकंड पुल है जिसमें अभी हम लोग जाएंगे, तो ये तो सेकंड है और वो अभी नया बन रहा है, और उसके पीछे और एक है छोटा सा ब्रिज, इतना पतला होगा कि एक बार में एक ही गाड़ी जाए, उतना बड़ा है। तो पहले भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था, अब तो दो दो ब्रिज बन जा रहे हैं यार। और देख सकते हैं कि बाइक को पूरा धो के लाए थे लेकिन पूरा गंदा हो गया पीछे से। ओ भाई साहब, इतना छिटका हुआ है और अंदर तक पूरा एकदम हो गया है ऐसा कि क्या नहीं पता है, फिर से धोना पड़ेगा। तो वैसे तो अभी जब रांची जाएंगे वापस तभी धोएंगे। तो जो बैरिकेड का बात कर रहे थे, देखिए गाइस जैसा ही अभी लगना बाकी है, अभी इधर तो पूरा हो ही चुका है बट अभी भी आगे में शायद मेरे ख्याल से बाकी होगा, तो बस यहीं तक था। तो वैसे ये भी पूरा ये रास्ता में रहेगा, तो जिसके वजह से जंगली जानवर या तो इंसान अचानक से पार नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा सा सेफ रहेगा और ज़्यादा रोड। क्या ही बोलूँ इधर की रोड का मज़ा आ रहा है भगाने के लिए, मतलब कि 100 चलने के लिए एकदम बहुत मस्त रास्ता है और उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यार। ठंड लगना हल्का हल्का चालू हो गया है और हम लोग पूरा गुमला पे एंटर कर चुके हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ का लोग कैसे भगाते हैं। बाबू इतना रफ्तार में कहाँ ही जा रहे हो, पीछे भी भाई ट्रिपलिंग बहुत हेवी सीन है लगा। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे और हम रांची से निकले थे फुल टैंक करा के, लेकिन अभी तक एक भी कांटा डाउन नहीं हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और अपना भतीजा को फ़ोन कर दिए हैं, तो वो तो अभी घर पे नहीं है, तो वो जल्दी आ रहा है। तो हम रुकते हैं इधर ही कहीं जहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर पाए। तो इधर कहीं एक जगह जानते थे हम, लेकिन पता नहीं वो जगह नहीं है शायद यहाँ पे था। तो गाइस अभी हम लोग गुमलाई में हैं, तो यहाँ मेरे भतीजे को कुछ काम था तो वहीं अभी निकले हुए थे, तो अभी वो कुछ सामान खरीदा उसके बाद फिर हम वो निकलते हैं इधर, अभी अपना गांव जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट। तो वैसे भी अभी थोड़ा सा अंधेरा हो ही गया है, तो अभी उतना चलेगा, जा सकते हैं। अभी भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, तो आराम से कवर हो जाएगा, पहुँच जाएंगे आराम से। तो इसे पटेल चौक नहीं, टावर चौक बोलते हैं इधर से, और इधर से जाता है हमारे लेफ्ट तरफ से पालकोट। तो गाइस अभी थोड़ा सा रात हो गया, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ दिखाते हुए ले चलते, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो जो चीज़ दिखाना चाहते थे वो अब कल दिखाएंगे। तो अंधेरा हो गया है पूरा, हेवी वाला कांच बंद करके, मतलब वाइजर बंद करके थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चलाना।
देख सकते हैं ये है रायड़ी थाना। तो अपने गांव तो वैसे पहुंच ही गए, बस यहां से और कुछ दूर है, फिर हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे अपने गांव। और आगे कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए अभी कुछ और आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून रहिएगा मेरे अगले ब्लॉग के लिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।